जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी का चरित्र कल हमने इसमें सुना था कि उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए। आइए आज हम उनके शिक्षाप्रद पत्र जो उन्होंने अपने मित्रों को लिखे थे। पत्र संख्या एक। प्रिय रामकरण जी, लॉफ्टी करेक्टर एग्जामिनेशन चार्ट के द्वारा तुमको बहुत लाभ हुआ, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझको इस समय एक ऐसा साधन प्राप्त हुआ है जो कि मुमुक्षु के जीवन को बदल सकता है, परंतु पत्र द्वारा नहीं बताना चाहता, वहीं आकर कहूँगा। पर शायद श्री कृष्णचंद्र अपनी क्रीड़ा भूमि ब्रज में मुझे ले गए तो छुट्टियों में आ सकूंगा। तुम कहोगे कि ऐसी दुर्लभ बात शीघ्र क्यों नहीं बताते। इसका मतलब यह है कि चीज़ की कीमत न जानने से लोग हीरे को भी पत्थर मानकर उसकी कदर नहीं करते। सो एक पैसे के पत्र में उसे कैसे लिख दूं? तुम यों ही उसे फेंक दोगे। यदि न फेंको तो लिख दूं। अच्छा बतलाए देता हूं, सुनो। एक तो पहला हीरा है गीता स्वरूप दूध की मलाई, वह मुख से ही बतलाना चाहता हूं, मिलने पर कहूंगा। हाँ दूसरा हीरा सुन सकते हो। हाँ दूसरा हीरा सुन सकते हो, वह है जप प्राणायाम। उसकी ठीक विधि इस प्रकार है कि 12-12 मिनट सुबह शाम दोनों वक्त महामंत्र का जप खड़े होकर करो। जैसे ड्रिल में खड़े होते हैं वैसे ही सीधे खड़े होकर हाथ पीछे की ओर मिलाओ। उस समय आंखें बंद करो और ऐसा समझो कि मैं भी तुम्हारे बराबर खड़ा जप कर रहा हूँ। पैर दोनों बिल्कुल बराबर मिले हों, सामने यह ख्याल करो कि श्री कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी हाथ में है। जैसे प्रोफेसर सामने खड़ा होता है, भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यह ध्यान शांत होकर करो। जब मन में शीघ्रता पूर्वक होना चाहिए, न जबान हिले न होठ हिले, प्रत्येक शब्द का शुद्ध और पूरा पूरा उच्चारण होता रहे। सीधे यदि न खड़े हो सको तो दीवार से मिलकर बराबर खड़े हो जाओ। इसी को सीधा खड़े होना कहते हैं। 2-4 दिन में अभ्यास हो जाएगा। इस जप से तुम्हें बहुत भारी लाभ होगा। तुम माला हर वक्त पास रखो, जप खूब करो। फैशन के खिलाफ समझकर माला से घृणा मत करो। यह मत सोचो कि दोस्त क्या कहेंगे, तुम अपना ख्याल करो। तुम दोस्तों के लिए नहीं खाते पीते, दोस्त तुम्हें पापों के दंड से नहीं बचाने जाएंगे। फिर जानबूझकर लज्जा रूपी सर्प आस्तीन में क्यों पालते हो? तुम लोगों की बातों पर ध्यान ही न दो। कुछ दिन बकेंगे फिर अपने आप चुप हो जाएंगे। यह मेरा तजुर्बा है। याद रखो, लोक लाज के भय से तुम संसार में दुखों से तड़पते रह जाओगे। अंत में दुर्लभ शरीर खोकर रोकर पछताओगे। जब प्राणायाम तुम जरूर करो, यदि कुछ दिन लगातार करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह साधन एकांत शांत स्थान में करना चाहिए। यह पत्र जरूरी समझकर और अपना अमूल्य समय नष्ट करके लिखा गया है। यह पत्र इतना सस्ता नहीं है। पत्र संख्या दो। प्रिय रामकरण, तुम्हारी उन्नति के साथ मुझे अपनी उन्नति में जोश है। मैं इस जोश रूपी अग्नि में लकड़ी डाल रहा हूँ, पर तुम कहीं इस पर पानी न डाल देना। इस जोश में इतनी ताकत है कि यह सब कुछ कर सकता है। इसके ठंडे हो जाने के बाद तुमको फिर मुझसे बिल्कुल आशा छोड़ देनी चाहिए। इसलिए चेतो चेतो चेतो, खूब डटकर साधन करो।
पत्र संख्या 3। प्रिय रामकरण जी और प्रिय राम नारायण जी, मित्रों, आज हम विशेष साधना वालों में 2 से 3 हुए। यों तो हमारी पार्टी में और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन वास्तव में आप दोनों मेरी मित्रता विशेष निभा रहे हैं और मेरे बताए साधनों पर अमल कर रहे हैं। मैं 3 रहस्य तुम लोगों को बताना चाहता था। उनमें एक तो पहले रामकरण को बतला चुका हूँ। दूसरा साधन यह है कि एक कागज पर 500 बार शिव मंत्र लिखो। वह मंत्र ओम नमः शिवाय है। यही 500 बार लिखो। इसके लिखने में आधा घंटा लगता है। लिखते समय मुख से जप भी करते जाओ। एक बार लिखते समय मैं 4 बार भूल लेता हूँ। शिव जी का चित्र भी सामने हो तो बहुत अच्छा है। जब समय मिले तभी बैठकर लिखने लग जाओ। अगर कोई पूछे कि क्यों लिख रहे हो तो कह देना, ओम साहब का ऑर्डर है। इस साधन से बड़ी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। साधन में शंकर जी की कृपा से विघ्न नहीं पड़ता। तीसरी बात मैं स्वयं आकर बताना चाहता हूँ। इन सब साधनों का सार यही है कि इन आँखों से भगवान के साक्षात दर्शन हों। इन आँखों से भगवान के साक्षात दर्शन हों। याद रखो, इन साधनों से तुम कलिकाल में वह वस्तु प्राप्त कर लोगे जो और युगों में बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पा सके। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सबको अपने साथ उड़ा ले चलूँ, लेकिन अग्नि में आहुति देना तुम्हारा काम है। आहुति का मतलब यह है कि मैं जो कुछ लिखूं, तुम लोग आँख मीच कर जोश के साथ इसका पालन करो। पत्र संख्या 4। प्रिय राम नारायण जी, इम्तिहान की फिक्र में तुम दुबले हो रहे हो। कभी स्वप्न में भी इसका विचार मत करो कि मुझे पास होना है। बस इतना समझो कि भगवान की आज्ञा है, इसलिए कर्म करते हैं। तुम अपनी ओर से मेहनत करो, पर फिक्र से दुबले होना मूर्खता है। भगवान के विश्वास पर जो दृढ़ रहता है उसे भगवान अवश्य पास करा देते हैं। बस भगवान के सामने बैठकर दीन भाव से भजन करो। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस 16 नाम वाले मंत्र का हर समय जप करो। चलते फिरते में इसे जप करने से कोई दोष नहीं। इसके जप से जो लाभ होता है वह बयान से बाहर है। पत्र संख्या 5। प्रिय रामकरण, तुम 2 बार आए किंतु मैं साधन में होने के कारण तुमसे बात न कर सका। शायद तुमने यह समझा होगा कि बाबू साहब अब अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं, बड़े आए कहीं के साधु महात्मा, मुझसे इतने चिढ़ गए कि बात भी नहीं करना चाहते। परंतु सो बात यहाँ नहीं है। मैं अहंकारी नहीं हो गया, किंतु मुझे बेकार बात करना अच्छा नहीं लगता। जिस अमूल्य वस्तु के लिए मैं लगा हूँ उसके लिए मैं तुमको ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी प्रिय वस्तु को त्याग सकता हूँ, और आदरणीय से भी आदरणीय वस्तु की मैं परवाह नहीं करता। मैं नाम जप का महत्व जान चुका हूँ। अब 1 मिनट भी उसके बिना मैं खर्च नहीं करना चाहता। यदि आप आएँ तो ऐसे समय आएँ जबकि मैं पढ़ाई करता हूँ, पर अकेले आना और बहस करने के लिए अथवा डींग हाँकने के लिए मत आना। मुझसे व्यर्थ की कोई भी बात मत करना जैसे कि आजकल करते हो, और मना करने पर भी नहीं मानते। ऐसी बातें करोगे तो मैं उठकर चल दूँगा। मेरे पास गपशप लड़ाने के लिए वक्त नहीं। गपशप लड़ाना हो तो जिन डॉक्टर साहब के पास ज्ञान विषय में वाद विवाद करने के 2 घंटे को जाते हो वहाँ 4 घंटे रोज हो आया कीजिए। मैं आजकल
मैं आजकल 18 घंटे जप करता हूँ। अन्य पढ़ाई आदि कार्यों में सिर्फ 6 घंटे हैं। इसलिए मेरी परिस्थिति समझकर कार्य करें। कॉलेज के दिनों में दूसरा प्रोग्राम होगा। पत्र संख्या 6। प्रिय रामकरण जी, तुम्हारा साधन सुनकर प्रसन्नता हुई। मंत्र का जप मानसिक करने से 1000 गुना फल होता है। बिना माला के जप करने से जप 10% ही रह जाता है। माला के द्वारा गिनती अवश्य करनी चाहिए और बिना जप पूरा किए नहीं सोऊंगा, ऐसा नियम कर लो। कॉलेज के दिनों में मेरा प्रोग्राम यही है कि 5 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे कॉलेज और 5 घंटे मंत्र जाप। पत्र संख्या 7। प्रिय रामकुमार जी, मैं अन्य साधनों को उपयोगी न मानकर केवल नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए विशेष जोर देता हूँ। पहला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह महामंत्र बहुत शीघ्र फल देने वाला है। यह बहुत ऊंची वस्तु है। अथवा दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की भी शक्ति अपार है। उपरोक्त दोनों मंत्र मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। पहले कितने ही महापुरुषों ने नाम के द्वारा ही अपने इष्ट देव को प्राप्त किया है। मैं तो गहरी खोज के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। कि इस मार्ग से बढ़कर आनंदप्रद और सीधा आसान मार्ग दूसरा है ही नहीं। मैं पहली सीढ़ी पार कर अब दूसरी सीढ़ी पर आ पहुंचा हूं। मुझे अपने को पूर्णता से भेंट करने के बाद अब कुछ करना नहीं पड़ता। जो काम अपने हाथ में लेता हूं, वह अपने आप पूर्ण हो जाता है। हृदय में प्रकाश और परमानंद का अनुभव होता है। 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे निकाल लो। नाम जप की ऐसी भूख लगा लो कि बिना जप के चैन न पड़े। नाम जप की वैसी आदत बनाओ जैसी कि एक महानशेबाज को बिना नशे के चैन नहीं पड़ता। यह बात मित्र चांदमल ने पाली है। एक महात्मा ने एक लेख में लिखा है कि चाहे खाना न मिले, वह इतना हानि करने वाला नहीं, बल्कि खाना न खाने से तो आत्म तेज बढ़ता है, किंतु नाम जप न छोड़ो, उसके छोड़ने से सब प्रकार से हानि होती है, क्योंकि भजन तो आत्मा की खुराक है। इसलिए संकल्प करो कि नियमित भजन कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, लेकिन अपने समय को व्यर्थ बातचीत में मत खराब करो, क्योंकि भैया विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। संसार में किसी को भी अपना शत्रु न समझो, सबसे समानता का भाव रखो। नरसी भगत और रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी अवश्य पढ़ो। पत्र संख्या 8। प्रिय चांदमल, एक नई आज्ञा मिली है कि नाम जप का हिसाब अवश्य रखो और मुश्किलों का स्वागत करो। राम शलाका के लिए तुमने पूछा, सो यह मालूम हुआ कि उसमें एक बार हिदायत मिलती है। अगर उस पर विश्वास न हुआ तो आगे फिर सही जवाब नहीं मिलेगा। नाम जप को तुम अपना जीवन बना लो। प्रण कर लो कि बिना जप पूरा किए नहीं सोऊंगा। यदि किसी दिन दैववश जप कुछ बाकी रह जाए तो दूसरे दिन उसे पूरा कर लो। धीरे धीरे जप संख्या बढ़ाते जाओ। पत्र संख्या 9। प्रिय रामकुमार जी, जब तक दिल में आग नहीं लगी
तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सका। प्रेम का प्याला जब तक छलकता नहीं, तब तक भजन का आनंद ही नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बार एक आदमी से कहा, अमुक सज्जन बहुत साधन की ओर बढ़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से एक बार एक आदमी ने कहा, अमुक सज्जन बहुत साधन की ओर बढ़ रहे हैं और संसार को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। 80% उन्होंने अपनी आवश्यकताएं त्याग दी हैं। थोड़े दिन में अवश्य ही पूर्ण साधु हो जाएंगे। यह सुनकर परमहंस जी ने कहा कि वह सज्जन 7 जन्म में भी पूर्ण साधु नहीं हो सकते, उनका क्षणिक वैराग्य है। इसके बाद परमहंस जी ने एक दूसरे आदमी के लिए कहा, वह इस समय यद्यपि घोर पापी है, लेकिन थोड़े ही दिनों में वह पूर्ण साधु हो जाएगा। इसके बाद थोड़े दिनों में देखा गया कि वह घोर संसारी पापी मनुष्य सच्चा साधु हो गया और वह अभ्यास करने वाले सज्जन पुनः साधन में भ्रष्ट हो गए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए तुम यह मत समझो कि मैं कैसे ऐसा भक्त बन सकूंगा। भगवान की कृपा से क्षण मात्र में काया पलट हो जाता है। यदि आपको भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हो जाए तो बड़ी शीघ्रता से भक्ति दृढ़ हो जाएगी। उनका अति सुंदर स्वरूप देखने की लालसा हो और यदि उनके कोमल चरणों का स्पर्श करना हो भगवान के सखाओं के साथ लीला का आनंद प्राप्त करना हो तथा उनके धाम में उनके साथ खेलने की अभिलाषा हो तो सारे संसार को तृण की तरह समझकर तुम त्याग दोगे। संसार की हलचल फिर कहाँ, उसका संबंध कहाँ, फिर यह नश्वर शरीर कहाँ, यह कहाँ वह कहाँ। भगवान तो तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब सब ओर से प्रतिकूलता होने पर भी तुम पूरी शक्ति लगाकर भजन करो। इसलिए दूसरे प्रिय और आवश्यक कार्यों को भगवान की मूर्ति पर भेंट कर देना चाहिए। जैसे जैसे तुम भगवान की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे तुमको भगवान की दिव्य सहायता मिलेगी। जप के प्रारंभ के बाद थोड़े ही दिनों में आपकी सब कठिनाइयां उड़ती चली जाएंगी, मार्ग साफ होता जाएगा। यह मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अवस्था आपसे कम खराब नहीं है। जैसे लोगों में मैं यहाँ रहता हूँ वैसे लोगों में शायद गांधी जी भी इंग्लैंड में न रहे होंगे, लेकिन मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि जिस तरह वायु में हवाई जहाज चलता है वैसे ही मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूँ। आप भी निर्भय होकर बढ़ो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब दृढ़ता से नाम जप करोगे तो भयानक विषैले सर्प भी आपके सामने आकर झुक जाएंगे। जब तक किसी से द्वेष है तब तक भगवान दूर हैं। नाम जप इस भ्रम भेद को मिटाने की अचूक औषधि है। किसी से लड़ने के बजाय उसके ऊपर दया करना अच्छा है। अपने द्वेषी के भी हृदय में प्रेम उतना ही रखो। जितना कि प्रभु से अथवा अपने आप से है। प्रेम हमारा पहला ध्येय है, क्योंकि सब एक स्थान से आए हैं। पत्र संख्या 10। प्रिय रामकरण, मालूम होता है तुम्हारा जोश ठंडा पड़ गया। नाम जप में तो वह शक्ति है तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। बहुत कुछ सोचा था परंतु हुआ कुछ नहीं। उल्टे आप कहते हैं कि सवेरे कैसी मीठी नींद आती है और आपकी आज्ञा है कि 4 बजे उठो। वाह रे आपका लाफ्टी करेक्टर इम्तिहान। इसके अनुसार चलने से तो दुनिया का आनंद ही बिगड़ जाएगा। नाम जप की धुन लगते ही मेरा सोना हराम हो गया, खाना हराम हो गया, और क्या कुछ सोचना तक हराम।
न रात देखूं न दिन, बस महामंत्र की धुन लग पड़ी। अब ओम इसमें विघ्न न डालेगा, अब ओम इसमें विघ्न न डालेगा। वह खुद थोड़े दिनों में रिटायर होने वाला है और वह आइंदा आपसे और कुछ न कहकर श्री कृष्ण प्राप्ति का आशीर्वाद चाहता है। ओम। पत्र संख्या 11। प्रिय राम कुमार जी, बहुत सी ऐसी अनुभव की बातें हैं जिनको मैं किसी को बता ही नहीं सकता, पर इतना अवश्य बताना चाहता हूँ कि भगवान के साथ हर वक्त रहने से मैं उनकी आदत जान गया हूँ। वह यह कि भगवान बहुत काम या विश्राम नहीं चाहते, वह तो केवल आग लगी देखना चाहते हैं। वह तो केवल आग लगी देखना चाहते हैं। भगवान पहले तो साधक के सामने बहुत सा काम रख देते हैं जो कि अत्यंत कठिन और दुखदायी होता है। उसे देखते ही नाम मात्र के जो साधक होते हैं वे पीछे हट जाते हैं, किंतु जो सच्चे साधक हैं, अर्थात जो भगवान के मिलने के लिए जान हथेली पर लिए रहते हैं, वह कठिनाई की परवाह न करके दुख सहते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जब भगवान यह देखते हैं कि इस भक्त की दृढ़ लगन है, यह इन दुखों को कुछ न गिनकर मुझे पाने के लिए अपार प्रयत्न करके मेरे पास पहुँचेगा ही, तब भगवान उसे सहायता देते हैं और रास्ते में ही उसको फल दे देते हैं। यह एक भेद की बात है, हर एक व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो वही जान सकता है। ओम। पत्र संख्या 12। प्रिय रामकरण जी, दैनिक कार्य चार्ट के अनुसार करो, दैनिक कार्य चार्ट के अनुसार करो और नाम जप नित्य पूरा कर लो। पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी समय बचे व्यर्थ न खर्च कर नाम जप करो। मैं अब तक 1475 माला जप कर चुका हूँ। हर मंत्र में 16 नाम हैं और हर माला में 108 दाने, इस प्रकार कुल 1,29,16,800 नामों का जप हो गया। मेरे ऊपर इस जप से महान कृपाएं होने लगी हैं, मुझ पर पूरी रोशनी होने लगी है। मेरा अगला कदम बड़ा जबरदस्त होगा। आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, मैं बहुत जल्दी बदल रहा हूँ। इन थोड़े दिनों में मैं इतना बदल गया हूँ कि शायद तुम मुझे पहचान न पाओ। अब मैं वह नहीं जो टोंक में था, कुछ दिनों में तो और का और ही हो जाऊँगा। यद्यपि मैं प्रेम विहीन जीव आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ना भी कृष्ण की ओर, बढ़ना भी कृष्ण की ओर, किंतु कृष्ण स्वयं ही बढ़े चले आ रहे हैं अपने दयामय नाम को सार्थक करने के लिए। कृष्ण स्वयं ही बढ़े चले आ रहे हैं अपने दयामय नाम को सार्थक करने के लिए। मैं अब तक तुम्हें सदुपदेश देता रहा, अब श्री कृष्ण पर तुमको छोड़ दिया। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा साधन तुमसे करा लेंगे। जो कुछ भी उन्होंने बताया इस खत में लिख मारा। मेरी अंतिम प्रार्थना, रोकर गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर पैरों में पड़कर आपसे तथा हर एक छोटे बड़े अच्छे बुरे तथा जान से अनजान से सबसे मैं श्री कृष्ण प्रेम की भीख मांगता हूँ, यही आशीर्वाद चाहता हूँ। यह भीख अवश्य दें। मेरी अंतिम प्रार्थना, रोकर गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर पैरों पड़कर आपसे तथा हर एक छोटे बड़े अच्छे बुरे तथा जान से अनजान से सबसे मैं श्री कृष्ण प्रेम की भीख मांगता हूँ, यही आशीर्वाद चाहता हूँ। यह भीख अवश्य दें। भिखारी ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे।
पूज्य श्री सद्गुरुदेव।